ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं योगेश अंदरपा। मोदी जी ने सही कहा, हम सर उठा के भी नहीं चलेंगे और सर झुका के भी नहीं चलेंगे, हम आंखों में आंख मिलाकर बात करेंगे। बात है इंडिया और सेशल की डिप्लोमेसी की। आज मोदी जी इंडिया और सेशल की डिप्लोमेसी को थोड़ा और आगे ले गए। आज का हिंदुस्तान अपने हर पड़ोसी देश के साथ हर मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहता है। हिंदुस्तान अपनी डिप्लोमेसी को और ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। सेशल्स हिंदुस्तान का पड़ोसी देश है और लगातार कई सालों से अपनी फ्रेंडशिप निभाता आ रहा है। जब से पूरे एशिया में चीन अपनी घुसपैठ कर रहा है, बात श्रीलंका की हो या डीजेबूती की, वह अपना मिलिट्री बेस हर जगह बनाना चाहता है। हिंदुस्तान भी मॉरिशियस का अगालेग आइलैंड और सेशल्स का एज्यूम्सन आइलैंड दोनों जगह पर अपना सैन्य अड्डा बनाने का प्रस्ताव दोनों देश को दे चुका है और इस पर बात आगे हो रही है। 25 जून 2018 को हुई बैठक में इंडिया और सेशल्स ने कुल 6 MOU पर हस्ताक्षर किए और वो थे इंडिया और सेशल्स के बीच मित्रता और सहकार को बरकरार रखना, पणजी और माहे के बीच संबंध गाढ़ करना, साइबर सिक्योरिटी को लेकर दोनों देश ने MOU साइन किए, दोनों देश ने सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी हस्ताक्षर किए। एक और महत्वपूर्ण बात थी, दोनों देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयर करना, जिस पर दोनों देश ने सहमत होकर हस्ताक्षर किए। भारत ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया सेशल्स की डिफेंस को मजबूत करने के लिए 100 मिलियन US डॉलर देने की घोषणा की। साथ साथ भारत ने सेशल्स को एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी गिफ्ट किया। तो ये थी इंडिया और सेशल्स के बीच 2018 की डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के कई और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।